यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 शेयर जो कि आपको इस गिरावट में बाय करना चाहिए। अभी जो गिरावट है, हो सकता है ये मंडे को भी थोड़ा गिरावट देखने मिले, तो इस गिरावट का आपको फायदा उठाना चाहिए और इन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक है जो गिरावट में काफी कम मिलते हैं। जब मार्केट में गिरावट होती है तभी आपको जनरली ये सारे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। तो देखिए, वो सबसे पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। देखिए, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है ये स्टॉक। तो यहाँ पर गिरावट होता है तो एक अपॉर्चुनिटी होता है गिरावट ऐसे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। तो आप इन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। इस गिरावट में जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये गिरावट में जो मिल रहा है, तो अभी थोड़ा सा बजाज फाइनेंस का रिजल्ट खराब हुआ है लेकिन बजाज फाइनेंस का थोड़ा अच्छा है। तो यहाँ पर गिरावट और होता है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। तो फटाफट हम 10 स्टॉक को कवर कर लेते हैं। दूसरा है टाइटन। देखिए, टाइटन भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप अपने इस पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को गिरावट में ऐड कर सकते हैं। जो नए लोग अभी बाजार में आए हैं तो बाजार अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो उन्हें ये गिरावट जो होगा वो अपॉर्चुनिटी होगा अपने पोर्टफोलियो में ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को ऐड करने का। वहीं तीसरा जो स्टॉक है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट तो काफ़ी भाग चुका, पिछले दिन जो रिजल्ट आया तो रिजल्ट को काफ़ी पॉजिटिव लिया मार्केट और ये 2990 रुपया से 2990 का लो बनाया और वहां पर देख सकते हैं 200 रुपया के लगभग 150 रुपया ऊपर चला गया ये स्टॉक। तो इस तरह से ये स्टॉक भी अगर कभी गिरावट मिलता है तो आपको ऐड करते रहना चाहिए। अभी तो ये स्टॉक काफ़ी ऊपर है, देखिए अपने ऑल टाइम हाई पे है ये स्टॉक। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री। ये भी अपने देख सकते हैं ऑल टाइम हाई पे है। तो ये सारे स्टॉक है एक बार अपने पोर्टफोलियो में गिरावट में ऐड कर लीजिए, ये स्लोली स्लोली आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न क्रिएट करके ये स्टॉक्स देगा। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो HDFC बैंक, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक। ये भी जब भी गिरावट मिले आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। तो जब भी गिरावट होता है पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। ये भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है, अभी करंट प्राइस देखिए 1443 है। तो जैसे गिरावट होता है तो गिरावट में ऐड करते रहिए। उसके बाद अगला जो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, काफ़ी नीचे अभी प्राइस पे मिल रहा है। ये 2300 रुपये के आसपास फिर से जा चुका था और देखिए वहाँ से थोड़ा सा फिर से कंसोलिडेट होकर के नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर फिर से आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए इस स्टॉक को भी। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है TCS। ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन है, जब गिरावट होता है तो आपको इसे भी पोर्टफोलियो में जगह देना चाहिए, पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। देखिए IT में कई सारे स्टॉक्स हैं, इन्फोसिस है, SCL टेक्नोलॉजी है, सेक्टर लीडर के साथ आप रहेंगे अभी तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। तो अभी गिरावट में जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसमें आप इन सेक्टर लीडर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, इसे भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए जब भी गिरावट मिलता है। अभी देखिए 2434 रुपया है, जैसे गिरावट होता है तो वहाँ पर ऐड कीजिए। और अगला स्टॉक है हीरो मोटर कॉर्प। ये भी काफ़ी बेहतरीन टू व्हीलर सेक्टर का स्टॉक है, तो ये भी जब गिरावट मिलता है तो इसको भी ऐड कीजिए। देखिए जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया आपको FMCG का लीडर स्टॉक, TCS हो गया आपको IT का, रिलायंस हो गया डाइवर्सिफाइड बिजनेस वाला, उसी तरह HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर का, पिडिलाइट फेविकॉल बनाने वाली काफ़ी बेहतरीन कंपनी, एशियन पेंट पेंट सेक्टर का, टाइटन तो ज्वेलरी सेक्टर से है, तो इसी तरह बजाज फाइनेंस फाइनेंस सेक्टर से। तो हर सेक्टर के लीडर को ऐड करते रहिए। उसके बाद जो अगला स्टॉक है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट सीमेंट सेक्टर से है, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आप हर गिरावट में इसको ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी सॉलिड फंडामेंटल वाले स्टॉक है, अभी 7424 रुपये का प्राइस है, अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक है। देखते हैं इसका 7544 हाई है तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो जब गिरावट मिलता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। वहीं हीरो मोटर कॉर्प को टू व्हीलर में लीडर स्टॉक है, इसको आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म में आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए, ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।